नहीं है, बैकवर्ड का नहीं है। इसके अलावा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी केंद्र में यही बैठे ना, 83 कॉलेज एफिलिएटेड हैं, लेकिन मात्र एक कॉलेज में प्रिंसिपल शेड्यूल कास्ट है, एक भी शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है, एक भी ओबीसी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि 25% प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में, स्कूलों में जो सीटें हैं वीकर सेक्शन के लिए दी जाएंगी, उनसे भरी जाएंगी, आज तक कहीं भी किसी भी उसमें भरी नहीं गई है। और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल रखा है। ये सारी की सारी चीजें हैं। और अपने संगठन में बीएसपी से जुड़कर, अपने संगठन नहीं बनाए, बीएसपी में जुड़ जाए, तो मैंने पहले भी कहा था फिर कहता हूं, जिस तरह से और पार्टियां सब समाजों को जोड़ के इकट्ठा होके गठबंधन बना के ताकत बनाने के काम कर रही हैं, क्या माननीय बहन जी ने एक बार भी समाज के विभिन्न संगठनों को, लोगों को बुला के कहा आइए मिलके बैठिए, साथ में बैठ के काम करते हैं और समाज को ताकतवर बनाते हैं? कहा? एक बार भी नहीं कहा। यहां तक कि उनसे मिलना भी असंभव सा ही है, वो किसी से नहीं मिलती और पब्लिक उनसे मिल नहीं सकती। बस नेता अगर किसी से मिल नहीं सकता और पब्लिक नेता से नहीं मिल सकती तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका फैसला आप ही करें। और साथियों, सबसे आखिर में मुझे जिस बात पे घोर आपत्ति है कि पिछले साल 5 मई 2017 को जो सहारनपुर के सब्बीरपुर गांव में दलितों के 58 घर जलाए गए, माननीय बहन जी का कहना है कि ये सारे के सारे जो घर जलाए गए हैं, ये घटना बहुजन समाज के इन्हीं संगठनों की वजह से हुई है। तो ये माना जाए कि फूलन देवी की हत्या करने वाला राणा जो था, जो वहां पे एक प्रोग्राम में मुख्य अतिथि था, वहां से 10 किलोमीटर दूर सब्बीरपुर गांव से, और उसके बाद जिस तरह से पुलिस ने और उन सब ने मिलके पूरे ट्रिप प्लान होके सब्बीरपुर गांव पे हमला किया, 58 घर जला दिए गए, तो वो सारी की सारी प्लानिंग, वो सारी घटना क्या बहुजन समाज की वजह से हुई थी? आप सब जानते हैं कि किसने की है, लेकिन हमारा नेता अगर इस तरह की बात कहेगा तो साथियों, इसे क्या बहुजन नेता माना जाए या बहुजन हित में माना जाए? जो भी बात है, बहुत सोच समझ के कहनी चाहिए, लेकिन माननीय बहन जी ने यह बात कही। मैं नहीं कह रहा, मैंने आपको सुनाई, और 13 मिनट 6 सेकंड की उनकी पूरी वो है, वो आप देख सकते हैं, उससे आपको सारी बातें पता लग जाएंगे। और अब साथियों, बस मुझे इतना ही कहना था, इन सारी चीजों पर हमें घोर आपत्ति है, हमारा घोर विरोध है। अगर बहन जी नेता हैं तो बहन जी को उसी हिसाब से काम भी करना चाहिए, बातें कहनी चाहिए। जिन लोगों से समाज पीड़ित था, है, उनसे अलग हटके बहुजन मिशन साहब ने बनाया, उसे लेके चले, लेकिन आज मैं कह सकता हूं माननीय बहन जी को बहुजन मिशन याद नहीं है, उससे पूरी तरह से भटक चुकी हैं। इसलिए हमारी घोर आपत्ति है कि बहुजन मिशन को याद रखा जाए और इसी पे काम किया जाए और बेवजह किसी पर आरोप न लगाया जाए। अब साहब, जिस तरीके से आपने ये पीसी की है और जो बहन जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसकी आपत्ति किसी ने नहीं उठाई, ये राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी ने क्यों उठाई है? देखिए, अगर किसी ने नहीं उठाई तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो बात कह रही है सही है। सभी को उठानी चाहिए थी, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए, एक पार्टी या संगठन के लिए नहीं, उन्होंने सभी संगठनों के लिए कहा है, तो सभी को यह बात उठानी चाहिए थी। ध्यान रखना साथियों, अगर समाज में गलत हो रहा है, चाहे वो हमारा भाई ही कर रहा हो, और हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तो एक दिन हमारी दुर्गति होनी निश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। हम जो बात कह रहे हैं, हमने उठाई, किसने उठाई, यह शायद महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जो हम बात कह रहे हैं, क्या वो बात सही है या नहीं है। जो बातें हैं आप उसमें देख सकते हो, और हमने आपको सुनाई भी है। तो बहन जी को इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मैं जो कह रहा हूं आपसे, इन सारी चीजों को गंभीरता से लें। हमने जो बात उठाई है, हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है समाज को जगाना, समाज को जागृत करना। बाकी समाज के ऊपर है, वो जागता है जागे, अगर सोना ही उसने सोच रखा है और नेता के ऊपर सारा पूरी तरह से विश्वास करके गड्ढे में गिरना ही समाज ने सोच रखा है, तो ये समाज का अपना निर्णय हो सकता है। 2019 का चुनाव नजदीक है, 2019 के चुनाव में इस तरीके की पीसी करना, ये कहां तक ठीक है? नहीं, और कब करनी चाहिए पीसी?
भाई 2019 का जो चुनाव है और हम राजनीतिक पार्टी भी हैं तो इसमें पीसी करने में क्या दिक्कत है। ये पीसी निश्चित रूप से, क्या माननीय बहन जी लगातार पीसी नहीं कर रही हैं? क्या और पार्टियां पीसी नहीं कर रही हैं? सर आपने पूरी 2018 तक की सारी कमियां बता दी बीएसपी की, ये हुआ वो हुआ, क्या उस दौर में बीएसपी मौजूद थी सरकार में? किस समय? जब आप 2018 तक की पूरी कमियां बता रहे हैं। मैंने तो बहुत पीछे से बताई हैं, आपने सुनी नहीं ढंग से। मैंने तो बहुत नहीं, अंत की बात क्यों कर रहे हैं आप? अंत की बात कैसे कर सकते हैं? हम तो शुरू से सर पहले मैं जवाब देने, वन बाय वन पूछिए, पहले मुझे जवाब देने। जो पीछे से है उसे कैसे छोड़ सकते हैं? उसे कैसे छोड़ दें आप मुझे बताइए। जो हजारों साल का इतिहास है वो हमारे साथ चला रहा ना, वो लगातार आ रहा है, लगातार आ रहा है। वो कहीं उन सबकी जिम्मेदार सिर्फ बीएसपी पार्टी? मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा कि उन सबकी जिम्मेदार बीएसपी है। मैं एलिगेशन ये लगा रहा हूँ, और एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि माननीय बहन जी उनको साथ में जोड़ने की बात कर रही हैं जिन्होंने इस देश में हजारों साल से नफरत फैलाई है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको जोड़ने की। जबकि बहुजन मिशन ये था कि जो 6,743 जातियों में बटा हुआ बहुजन समाज है उसको जोड़ा जाए, उसको इकट्ठा किया जाए, उसकी शिक्षा पर काम किया जाए, उसके रोजगार पर काम किया जाए, उसकी सुरक्षा पर काम किया जाए, उसकी चिकित्सा पर काम किया जाए। ये जो आरक्षण उन्होंने जबरदस्ती छीन रखा है इसको प्रॉपर तरीके से समाज को दिया जाए, जिससे समाज की उन्नति हो सके, तरक्की हो सके, उस पर काम किया जाए। ये बात मेरा कहने का मतलब है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उस पर आरोप लगा रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, आप समझे नहीं। सर योगी जी बोल रहे हैं कि जो वेद के रचयिता हैं वो दलित के पूर्वज थे, क्या वर्ड? देखिए योगी जी ने तो ये भी कहा कि हनुमान दलित हैं, ये भी कहा ना उन्होंने। कल वो और कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन किसी तथाकथित ईश्वर के दलित होने से हमें न्याय मिल जाएगा? मैं एक सवाल सिर्फ आपसे, हजारों साल से ये सारे के सारे 33 करोड़ देवता और ये सारे भगवान थे, इनमें से कोई नहीं आया हमारी तरक्की के लिए? सारे के सारे चुप बैठे रहे, सारे तो हथियारधारी हैं, एक एक के पास 8-8, 10-10 हथियार हैं। अबे कोई चलाता है, एक तो चलाता, कहीं कुछ नहीं हुआ, किसी ने हमारी तरक्की बात नहीं करी। आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस टोटली क्वेश्चन मार्क पर घिरी रही। आपने सारे सवाल खड़े किए लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाते रहे, कोई नाम खुलकर नहीं लिया। किसका? तो क्या माना जाए कि ये जो पीसी थी आपकी केवल मायावती की नीतियों के खिलाफ थी? नहीं, नीतियां निश्चित, आपने सबका जिक्र किया लेकिन उसमें क्वेश्चन मार्क, कहीं नाम नहीं लिया कि किन्होंने दलित उत्पीड़न को बढ़ा? नहीं, मैंने कहा, आपने सुना नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो दलित उत्पीड़न है ये वही अपर कास्ट समाज कर रहा है, ये वही सवर्ण समाज कर रहा है। कौन? हिंदू संगठन के लोग हैं, इस बात का नाम ले रहे हैं, दूसरी पार्टी का नाम क्यों नहीं? नहीं, मैं किसका? आपने बसपा का 50 बार नाम लिया लेकिन अन्य संगठन का नाम एक बार भी नहीं लिया। मैं तेंद्र भाई की बात से सहमत, पार्टी मुखिया का भी नाम लिया आपने और पार्टी का भी नाम लिया, लेकिन जितनी पार्टी मुखिया का नाम, जितनी घटनाएं आपने गिनाई है उनमें सारी घटनाएं वो थी जो लगभग 2010 या 2010 के पहले से हैं। उसके बावजूद अब आप इन सारे मुद्दों को ला रहे हैं जब 2019 लोकसभा चुनाव का माहौल है और ऐसे में आपकी पार्टी लगभग चुनाव की तैयारी में है, तो क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी जो पार्टी है वो 2019 लोकसभा चुनाव में आएगी? नहीं, इसमें एक्सेप्ट करने वाली क्या बात है कि 2019 के चुनाव नहीं, आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल बात है, बात नहीं है, मैं सिंपल की बात की। नहीं तो इसको क्या माना जाए कि माननीय बहन जी ने ऐसे समय में जब 2019 के चुनाव आ रहे हैं सभी बहुजन समाज के संगठनों को आरोपित कर दिया, उनको इसे क्या मानेंगे आप? आप निस्तारण की बात क्यों नहीं? किस निस्तारण की बात मैं कर रहा हूं? मैं इसी तरह की बात कर रहा हूं कि नीतियां पार्टी की वो होनी चाहिए कि जिससे बहुजन समाज का भला हो सके, लेकिन आप बहुजन समाज के भले की बात नहीं कर रहे, आप उस समाज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने हजारों साल से हम सब पर अन्याय और अत्याचार किया है, आप उसकी बात कर रहे हैं इकट्ठा करने की। और जान तो है संघ पार्टी का नाम किया है, संघर्ष पार्टी का कहीं बहुजन नाम इसमें आता ही नहीं। किसका? आपकी पार्टी का नाम। तो मुझे आप ये ये भी मुखौटा सा नजर आ रहा है, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष, मतलब राष्ट्र के जन ये करती हुई, इसके अंदर तो सारे लोग हैं। ये आपकी समझ हो सकती है कि इसमें बहुजन नाम नहीं आ रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाबा साहब ने 3 संगठन रखे, बनाए 3 संगठन मुख्य रूप से, पार्टी बनाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसमें कहां शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स या बहुजन का नाम है बताना जरा आप?
दूसरा उन्होंने सामाजिक संगठन बनाया समता सैनिक दल, उसमें कहां शेड्यूल कास्ट का बहुजन का नाम है बताओ जरा। तीसरा उन्होंने बनाया धर्म के क्षेत्र में भारतीय बौद्ध महासभा, इसमें कहां दलितों का शेड्यूल कास्ट का बहुजन का नाम है बताना जरा। ये जो आरोप है, ये जो हमारी सोच हो गई है संकुचित कि नाम हमें वो रखने की तख्ती लटका के रखो, नहीं हम एक बात बताइए, इतनी एट्रोसिटीज हुई काफी मामला सहारनपुर का, अब मैं सहारनपुर को ही ले लेता हूँ, ज्यादा दूर नहीं। आप मुझे ये बताइए, आपने सहारनपुर की घटना का जिक्र किया, 2 अप्रैल की घटना का जिक्र किया, आपने कितने लड़कों की बेल कराई, आप ये जरा मुझे बता दीजिए जो जेल गए हैं लड़के। देखिए नीतियों की बात हो रही है, आप पार्टी ने कितने लोगों को, नहीं आप जाके सहारनपुर में जाके पूछिए भाई, आप मुझे जवाब देने देंगे या नहीं? आप जो कह रहे हैं आपका सवाल सुन लिया, जवाब तो देने दो, मुझे बता देना। नहीं मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं आपको बता रहा हूँ ना आपको, आप सहारनपुर में जाके पूछिए। 5 तारीख को घटना हुई, हम 7 को वहां पहुंचे, सारे लोग वहां के सहारनपुर के जानते हैं, सारे साथियों से मिलके हमने उनके लिए जो भी हम कर सकते थे वो हमने कार्रवाई उनके लिए की। जहां तक आप 2 अप्रैल की बात कर रहे हैं, 2 अप्रैल को हमने लगातार सब साथियों से कहा, सब साथियों के, चाहे यहां मेरठ के हों, चाहे साथी यहां के हों गाजियाबाद के हों ग्वालियर के हों, सारे साथियों के संपर्क में रह के जो भी हम लीगली, जो उन्होंने हमसे सपोर्ट मांगी वो लीगल हमने सहायता उनकी और सपोर्ट हमने उनको दी। वकील साहब सारी पार्टी नाम मैंने बता दिया, एक दो नाम नहीं है ना, कितने ही लोग हैं, एक तो नाम नहीं है ना। वकील साहब सारी पार्टियों ने, विपक्ष की पार्टियों ने मायावती को अपना नेता मान लिया है, क्या राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी मायावती को नेता मान के राजी नहीं है? देखिए पीपल साहब, जहां तक मैं समझ रहा हूं और रोज मैं न्यूज देख रहा हूं, अभी तक किसी भी विपक्ष ने मायावती जी को अपना नेता नहीं माना। सर एक मंच से कांग्रेस की जो लीडर है, नहीं उन्होंने हाथ उठा के कहा कि हम मायावती को अपना नेता मानते हैं, नहीं कभी नहीं कहा। आप मुझे दिखाइए, मायावती जी को साथ लेने के लिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने यह नहीं कहा कि मायावती जी हमारे नेता है। और अगर मायावती जी विपक्ष की नेता बनती है, विपक्ष उन्हें नेता मानता है, तो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया कौन सी बात है। हम भी तो यही चाह रहे हैं कि मायावती जी विपक्ष की नेता बने, मायावती जी ताकतवर होके इस देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें, क्योंकि देश की सबसे बड़ी दुश्मन तो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में, उसका सफाया करें। लेकिन जो पीछे के परिणाम है, जो सारी चीजें हैं, वो ऐसा तो नहीं बता रही है अभी। जिस तरीके से आपने मायावती, जिस तरीके मायावती को टारगेट रखा, बसपा को टारगेट रखा, इसके अंदर केंद्र के अंदर रामविलास पासवान जी हैं, उदित राज जी हैं, अन्य ऐसे जो नेता हैं, उनका कभी भी आपने जिक्र नहीं करा। नहीं उनका जो एट्रोसिटी मामले में, देखिए जो लोग समाज की पीठ में छुरा भोग कर समाज के, देश के जो दुश्मन हैं उनके साथ में बैठ गए, उनका जिक्र करने की क्या जरूरत है? उन्हें समाज ने नकार दिया, हमने नकार दिया, सबने नकार दिया, उनके विषय में क्या करना? आप मुझे बताना चाहते हो कि मैं जानता नहीं उनके विषय में? एक बात मानते हैं आप कि अगर बहुजन समाज पार्टी अलायंस कर लेती है कांग्रेस से, तो जितनी बहुजन पार्टियां हैं बहुजन समाज पार्टी के अलावा, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आप मानते हैं इस बात से? मैं नहीं मानता, आपकी बात से मैं सहमत नहीं, चाहे वो किसी से भी समझौता कर लें, लेकिन कोई भी पार्टी अगर खत्म होगी तो अपने कर्मों से खत्म होगी, उनके किसी पार्टी में जाने से या समझौता करने से कोई पार्टी खत्म नहीं होगी, वो सब कुछ नहीं है, उनके उससे पार्टियां खत्म नहीं होती। सर जिस तरीके समझौते की बात आती है, क्या राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी भी किसी समझौता करेगी? निश्चित रूप से, देखिए हमने बार बार कहा है, आज भी आपके सामने कह रहे हैं कि जो भी पार्टियां इस आने वाले 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इसको सत्ता से बाहर निकालने के लिए काम करेंगी, गठबंधन करेंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम भी उस गठबंधन में शामिल हों और उस गठबंधन का साथ देकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करें। जिस तरीके से अभी जो तो चुनाव हुआ उनका रिजल्ट आया है, वहां ये भारतीय जनता पार्टी ने वो हारी है, भारतीय जनता पार्टी हारी है, नहीं निश्चित रूप से हारी है, लेकिन वो इतनी तरह बुरी तरह से नहीं हारी जितनी बुरी तरह से हार सकती थी जी। अगर मैं आपको इसको कहूं, माना कांग्रेस के साथ में मध्य प्रदेश में और राजस्थान में अगर बीएसपी का समझौता हो जाता, तो जो 4% 10% 6% जो वोट मिली हैं,
वो उसमें इंक्लूड होके भारतीय जनता पार्टी की हार कितनी बुरी होती है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जो जीता वही सिकंदर, लेकिन आप बीजेपी के भी परसेंटेज गिना रहे, क्या कर रहे? किसका बीजेपी के परसेंटेज में मैंने नहीं गिना, कहां गिनाई? इतनी बुरी तरह से नहीं हारी, नहीं निश्चित रूप से नहीं हारी। जो जीता वही सिकंदर सर, चाहे एक वोट से नहीं सर। वो कांचीराम साहब की एक बात, यहां मैं उसकी बात, यहां कांचीराम साहब की बात समझ में आती है सर। मैं कांचीराम साहब ने बोला था कि एक नागनाथ है एक सांपनाथ है, तो कोई जरूरी नहीं था समझौता करना। तो अगर नागनाथ है और सांपनाथ है तो पहले जो सरकार बनाई इन्हीं नागनाथ और सांपनाथों के साथ मिलकर बेंजी ने बनाई सरकार, बीएसपी ने, उत्तर प्रदेश भूल तो नहीं गए होंगे आप, इनके साथ मिलकर सरकार बनाई ना। तो भाई ये नागनाथ सांपनाथ तो अभी से नहीं है, मुझे ध्यान है नागनाथ सांपनाथ कहने का काम जो शुरू किया माननीय साहब कांचीराम जी ने, और 1991 में हम सुनते थे रामविलास पासवान जी ने बड़ा कस के यही काम किया, हर मंच पे यही बात कहते थे, पर समझौता तो उन्हीं के साथ में किया नागनाथ और सांपनाथ के साथ में। इसे क्या माना, मतलब यह है कि वो जो भी कुछ करे सही और बाकी और कोई कुछ भी कह दे वो गलत। देखिए आप गलत कह रहे हैं, यूट्यूब पे मेरी कितनी ही वीडियो पड़ी है, मैं बहुत कस के बीजेपी और 56 इंची चौकीदार के विरोध में हूं, और मेरी वीडियो आप देख लें हत है। मैं बीएसपी के विरोध में नहीं था, लेकिन क्योंकि बीएसपी की मुखिया माननीय बहन जी ने ये सब पे आरोप लगाया, मैं इस बात के विरोध में आवाज उठाना मेरा काम। संघर्ष पार्टी किम इलेक्शन लड़ेगी वो बताइए। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी बहुत सीधा सा है, जो बहुजन समाज के मुद्दे हैं उनको लेकर ही चुनाव 2019 का या आने वाला चुनाव लड़ेगी। हमारा बाकायदा मैनिफेस्टो है, जब हम मैनिफेस्टो अपना जारी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप सारे साथियों को बुलाएंगे, आप आइए उसको देखिए। अगर मायावती और कांग्रेस गठबंधन करते हैं, एक मिनट मायावती और कांग्रेस गठबंधन करते हैं तो अगर तो उसमें फिर आप अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं आप। मैंने कब मना किया? मैं मायावती के साथ की बात नहीं कर रहा, मायावती के साथ की बात नहीं कर रहा, मैं बहन जी के साथ की बात नहीं कर रहा, मैं जो बात कह रहा हूं आप उसको समझें। बहुत सीधा सा है, जो भी पार्टी जो भी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए कोशिश करेगा, इकट्ठा होगा, हम उसके साथ शामिल होने का प्रयास करेंगे। आखिर में एडवोकेट साहब मैं एक बात जानना चाहूंगा, आखिरी सवाल है, इस शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी क्या करना चाहती है, उसका खुलासा कर दीजिए। इसका खुलासा बहुत सीधा सीधा है, जो बहुजन मिशन है हम पूरी तरह से उसको अमल में लाना चाहते हैं। हमें जब भी मौका मिलेगा तो हमारा काम पहला रहेगा शिक्षा के क्षेत्र में समाज को बेहतर से बेहतर शिक्षा देना, और दूर दराज के जो गांव में बैठा एक व्यक्ति है उस तक भी शिक्षा पहुंचाना, और अच्छी शिक्षा पहुंचाना, और शिक्षा वही होगी जो राजधानी में होगी, वही उस दूर दराज के गांव में होगी। दूसरा जो अभी आप एक बात सुन तो लीजिए, दूसरा रोजगार, क्योंकि समाज को रोजगार की बहुत जरूरत है, इसके लिए पूरी तरह से काम करना, क्योंकि सरकार को समाज को रोजगार मिलेगा तभी आगे बढ़ेगा। ये जो आरक्षण है इसको ईमानदारी से लागू करना, और जब तक समाज उठ नहीं जाता उस स्तर तक जहां तक हमारे महापुरुष चाहते थे, तब तक लगातार यह आरक्षण जारी रहेगा। तीसरा, पुलिस व्यवस्था, इस देश में पुलिस व्यवस्था सबसे खतरनाक व्यवस्था है, और मैं मानता हूं कि इस पुलिस सिस्टम को अगर सुधार दिया तो इस देश की लगभग 70% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस पुलिस व्यवस्था को ठीक करना है हमें, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए जो भी बेहतर काम हो सकता है हम वो सारे के सारे काम करेंगे, और महिलाओं की तरक्की के लिए हम ईमानदारी से काम करेंगे। ये नहीं कि कह तो दिया 33% आरक्षण लेकिन अभी तक वो बिल पास नहीं हुआ। इसके अलावा जो बहुजन मिशन है उसको पूरी ईमानदारी से लागू करने के लिए काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सारे आए, आपने हमारा साथ दिया।